सियालकोट की आवाम को 32 साल के बाद इस गॉड फादर ख्वाजा आसिफ से निजात दिलाई है। मैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तमाम वर्कर्स को मुबारकबाद देता हूं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूं, बिलखसूस जिन्होंने सोशल मीडिया पे मुझे सपोर्ट किया। सोशल मीडिया पे मेरे फेसबुक पे जो फॉलोअर्स हैं उन लोगों ने मुझे तकवीयत दी, इन लोगों ने मुझे जज्बा दिया। जब भी मैं तारीख पे आता था इन लोगों के कमेंट से मुझे हौसला मिलता था। मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सब वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूं, अपने लीडर इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूं। और आज की कामयाबी का सारा सेहरा सारा क्रेडिट मेरे लीडर इमरान खान को जाता है, इसलिए कि मेरे लीडर इमरान खान ने मेरी सरपरस्ती की है इस केस में। अगर मेरा मानने मेरा लीडर मेरा इमरान खान लीडर मेरे साथ इस केस में ना होता तो शायद मैं इस केस को मंतकी अंजाम तक ना पहुँचा पाता। उसके बाद मैं जहांगीर तरीन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उन्होंने भी बड़ी रहनुमाई की इस केस में। मेरे वकील सिकंदर बशीर ममन, उन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त केस लड़ा, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अदलिया को सलाम पेश करता हूं आज के इस ज़बरदस्त फैसले पे। और मैंने ये बहुत देर पहले ख्वाजा आसिफ को कह दिया था, आप मीडिया की रिकॉर्डिंग्स निकालें, मैंने ख्वाजा आसिफ को कहा था कान खोलकर सुन लो ख्वाजा आसिफ, उस्मान डार इमरान खान का सिपाही है, ना डरेगा ना झुकेगा ना बिकेगा, तुम्हारा मुकाबला करेगा। और आज करके दिखा दिया मुकाबला। पाकिस्तानी कौम को याद होना चाहिए, ये वही ख्वाजा आसिफ है जिसने पार्लियामेंट में मेरे लीडर इमरान खान की शान में गुताही की थी। ये वही ख्वाजा आसिफ है जिसने तहजीक अमेज जुमले बोले मेरे लीडर इमरान खान के खिलाफ पार्लियामेंट में। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि इस ख्वाजा आसिफ को हमेशा हमेशा के लिए उठाकर पार्लियामेंट से बाहर फेंक दूंगा, और आज फेंक दिए। और आज अपने लीडर इमरान खान को तोहफे में ये जो फैसले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये सरिया मिला है, इत्तफाक फाउंड्री का ये लोहे का बना हुआ सरिया जो ख्वाजा आसिफ की गर्दन से आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने निकाल दिया। ये सरिया अभी जाकर बनी गला अपने लीडर के कदमों में डाल दूंगा जब निकाला है इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं पहले दिन